हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के न्यूट्रिशन के बारे में। हर महिला को प्रेगनेंसी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इन्हीं न्यूट्रिशन में से एक न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करेंगे, वह है प्रोटीन। काफ़ी सारी महिला को ये नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर के लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि सेकंड ट्रेमेस्टर से हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड, जब आप अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो वे शुरुआती प्रेगनेंसी से ही हमें सजेस्ट करने लगते हैं कि आपको हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। सेकेंड और थर्ड ट्रेमेस्टर में भी बोलते हैं अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना है। डॉक्टर आपको ये इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन में आपके हेल्थ के लिए और बच्चे के हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन में बहुत अच्छी मात्रा में कंपाउंड पाए जाते हैं। अब ये तो बात हो गई कि प्रोटीन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला और नंबर वन है, प्रोटीन हेल्थ के लिए और वेट गेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने डाइट में 300 से 400 कैलोरी से ज़्यादा प्रोटीन लेती हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाती हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिला को ये शिकायत रहती है कि हमारा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है। अगर आप बैलेंस में प्रोटीन और कैलोरीज लेती हैं तो आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा फायदा है, प्रोटीन बच्चे के वेट को बढ़ाने में मदद करता है। पहले ट्रेमेस्टर में बेबी का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, सेकंड ट्रेमेस्टर में भी बेबी का थोड़ा ही वज़न बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आपका थर्ड ट्रेमेस्टर शुरू हो जाता है बेबी बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगता है। हर एक दिन बेबी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको थर्ड ट्रेमेस्टर में भी बोलते हैं कि अपने डाइट को बैलेंस में लें। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, जब भी आप अपना मील लेते हैं उसमें आपको प्रोटीन का खास ख्याल रखना है। हर एक मील जब आप खाते हो आपको अपने डाइट में प्रोटीन को ज़रूर शामिल करना है। हर रोज़ 100 ग्राम आपको प्रोटीन ज़रूर लेना है। तीसरा फायदा होता है, प्रोटीन बेबी के वज़न को बढ़ाने के साथ साथ बेबी के टिश्यूज, सेल्स, ब्रेन ग्रोथ, हेयर, नेल्स, स्किन, इम्यून सिस्टम, हर एक चीज़ के लिए, बेबी के हर एक अंग के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन को ज़्यादा लेना है। अब ये तो बात हो गई कि प्रोटीन से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के लिए आपको वेज और नॉन वेज में अपनी डाइट में आपको क्या क्या शामिल करना है जिससे आपके शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सके। सबसे पहला, आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक डाइट चार्ट बना लें जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका दिन भर में आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। नॉनवेज में आप अंडा खा सकते हो, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप दिन भर में 2 से 3 अंडे खा सकती हैं। दूसरा है चिकन, चिकन या फिर फिश खा सकती हो, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हाई मर्करी वाली फिश आपको नहीं खानी है। रेड मीट भी आप खा सकते हैं, अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। रेड मीट डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें पहले से ही प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न, एसिडिटी, गैस बनना शुरू हो जाती है, तो आपको एक बार में नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। नॉनवेज चीज़ों से आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वेज प्रोटीन के बारे में, जो कि महिला नॉनवेज नहीं खाती हैं वे अपनी डाइट में प्रोटीन को कैसे शामिल करें। तो आप सभी दालें खा सकती हैं, इसके अलावा बेसन से बनी चीज़ों को भी आप खा सकती हैं, साथ ही साथ आप बीन्स खा सकती हैं, जैसे कि छोले, राजमा, रमास, चने, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाता है। लास्ट है पनीर, सोयाबीन, जितने भी नट्स हैं उसमें भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा आपको चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इनसे भी आपको प्रोटीन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाता है, इससे आपकी बॉडी का और इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने में ये मदद करती है।
फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि आपको प्रोटीन रिच डाइट क्यों लेनी चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अपना डाइट प्लान ऐसा बनाना है जिससे आपको बाकी न्यूट्रिशन के साथ साथ अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिल सके, जिससे आपकी और आपके बेबी का हेल्थ डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही अच्छा हो। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।